Hello and welcome to Ashish Mallik IAS Academy. Today's topic of our discussion, rise in foreign exchange reserve. It is an all-time high. We will discuss what are the factors behind this rise in the foreign exchange reserve, as well as the significance and the importance of the foreign exchange reserve. Before moving further, if you want to subscribe on Academy Plus, you can use the code AshishMallik10 to avail a 10% discount on the subscription fees. Also, you can follow us on major social media platforms like Telegram and Instagram. Also, subscribe to our channel to get more updates of our latest series, PT Pointers for Economy, Hindu Newsletter, the Indian Express Newsletter, UPSC Talks with Ashish Mallik Sir. Myself, Arnav, faculty for the PT Pointers for Economy and PT Pointers for Politics. Let us begin with our discussion. Why this forex reserve was in news? Times of India ka headline hai, India's forex reserve surged to all-time high, $493.48 billion. India ka jo abhi forex reserve hai, wo hai $493.48 billion. Ye ab tak ka sabse zyada forex reserve hai, all-time high. That is why this is in news. Recently, on the last week of May, that ends on 29th of May. इस वीक में इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, दैट हैज जंप्ड बाय 12.4 बिलियन डॉलर्स एंड इट रीच्ड 493.48 बिलियन डॉलर्स. इन इंडियन रुपीस इट इज अराउंड 37.30 लाख करोड़ रुपीस. इट इज अ ऑल टाइम हाई. इन द ईयर 1991 इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व था वो था 5.8 बिलियन डॉलर, और अभी जो है वो है 493.48 बिलियन डॉलर. ये इंक्रीज जो हुआ है उसका परसेंटेज है अराउंड 8400%. 8400% से ये फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज किया है. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? इफ यू सी द ईयर 1991, द ईयर व्हेन वी अडॉप्टेड एलपीजी रिफॉर्म, तो अगर मेंस में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग द फॉरेक्स रिजर्व रिलेटेड टू दिस एलपीजी रिफॉर्म, यू कैन मेंशन दिस पॉइंट दैट नाउ द फॉरेक्स रिजर्व हैज इंक्रीज्ड बाय 8400%. नाउ व्हाट आर द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है क्या? हमारा जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई कुछ रिजर्व्स मेंटेन करते हैं. कैसे रिजर्व्स? फॉरेन करेंसी, फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गोल्ड, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन. ये एसडीआर आईएमएफ के करेंसी है. इट इज अ ग्रुप ऑफ करेंसी, नॉट अ करेंसी बट अ ग्रुप ऑफ करेंसी. एसडीआर उसे बोलते हैं. आईएमएफ ने कुछ ग्लोबल करेंसीज को ग्रुप करके एक अलग सा राइट बनाया है, उसे बोलते हैं एसडीआर. एंड द रिजर्व ट्रांसपोजिशन, सपोज इंडिया ने आईएमएफ को 100 रुपए का लोन दिया, तो वहां से 25% मींस रुपीज 25 इंडिया एज अ लोन ले सकता है आईएमएफ से. दिस इज नोन एज रिजर्व ट्रांसपोजिशन. सो दीज आर द रिजर्व्स दैट आरबीआई कीप्स अलोंग विद इट. दीज रिजर्व्स आर मेंटेन्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ही नोडल अथॉरिटी है टू मेंटेन, टू कंट्रोल this foreign exchange reserves. Reserve Bank of India Act 1934 ये बोलता है 64% of the forex reserve of the foreign exchange reserve should be kept as treasury bills of the foreign government. Treasury bills are 3 months and 6 month bonds of the government. मतलब short term government bonds. तो RBI को 64% रखना होगा as short term foreign government bonds. मतलब कि अगर आरबीआई सोचता है कि 100 डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मेंटेन करेगा, देन उसमें से 64 डॉलर का गवर्नमेंट बॉन्ड, फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड उसे खरीदना होगा. फिर 28% का मींस डॉलर 28 डॉलर का या तो वो गोल्ड रख सकता है,
या फिर करेंसी रख सकता है, कुछ भी रख सकता है, लेकिन अपने पास रखेगा। और 8% मतलब $8 का डिपॉजिट करना पड़ेगा टू द एब्रॉड कमर्शियल बैंक। दूसरे देश में कोई कमर्शियल बैंक को $8 डिपॉजिट करना पड़ेगा। सपोज बैंक ऑफ इंग्लैंड हो गया या फिर कुछ और हो गया, इसमें $8 डिपॉजिट रखने होंगे RBI को। 28% टू द सेंट्रल बैंक खुद रखेगा एंड अराउंड 8% टू द कमर्शियल बैंक्स अब्रॉड। बाहर के कोई कमर्शियल बैंक में 8% रखेगा RBI एज अ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है। दिस हेल्प्स टू मैनेज द मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ RBI एज वेल एज द एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट। We know RBI is the regulator of the monetary policy, as well as RBI is the nodal authority to regulate the exchange rate system and the foreign exchange reserve. So this foreign exchange reserve help to manage the monetary policy and the exchange rate management. Also, it also limit external vulnerability. Means, at the present situation, due to COVID-19 pandemic, एक इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ल्ड वाइड में आ गया है। द होल वर्ल्ड इज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस। इस इकोनॉमिक क्राइसिस को टैकल करने के लिए ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट टू टैकल द इकोनॉमिक क्राइसिस। द होल वर्ल्ड इज फेसिंग एन इकोनॉमिक क्राइसिस, देन हाउ India is having a surplus foreign exchange reserve. India ke paas itne zyada foreign exchange reserve kahan se aa rahe hain? The reasons, the factors behind this. The first factor is fall in crude oil prices. Jo crude oil ka price hai, wo fall kar gaya hai, wo crash kar gaya hai. Due to that, jo hamara jo import bill hai on essential items, wo reduce ho gaya hai. Essential items, aisa items jisse economy chalti ho. बिना क्रूड ऑयल के हमारा इंडियन इकोनॉमी नहीं चल सकता। दीज आर एसेंशियल आइटम्स। तो एसेंशियल आइटम्स का प्राइस अगर क्रैश कर जाता है, मींस इंपोर्ट बिल ऑन द एसेंशियल आइटम्स विल आल्सो रिड्यूस। अलोंग विद दैट, कोई ट्रेड खास नहीं हो रहा है। एक्सटर्नल ट्रेड जो होता था बिफोर COVID-19 पैंडेमिक, वैसा कुछ ट्रेड अभी फिलहाल नहीं हो रहा है। सो देयर इज अ रिडक्शन इन द नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स। नॉन एसेंशियल आइटम्स, ऐसा आइटम्स जिससे इकोनॉमी को फायदा नहीं होता, लाइक मोबाइल फोन, लाइक कार, लाइक इम्पोर्टेड मोबाइल फोन, इम्पोर्टेड कार, दीज आर नॉट यूजफुल फॉर द इकोनॉमी। इसके बिना भी इकोनॉमी चल सकता है। दीज आर नॉन एसेंशियल इम्पोर्ट्स। तो इस इम्पोर्ट में भी रिडक्शन आया है, मीन्स ओवरऑल इम्पोर्ट बिल हैज रिड्यूस्ड। इम्पोर्ट बिल इससे भी रिड्यूस हुआ है। एंड थर्ड इज नो फॉरेन ट्रेवल। ड्यू टू नेशन वाइड लॉकडाउन कोई फॉरेन ट्रेवल पे नहीं जा रहा है। सो जो डॉलर का डिमांड है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डिमांड है, जो फॉरेन करेंसी का डिमांड है, वो रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि कोई बाहर घूमने नहीं जा रहा है। एंड ऑल्सो देयर इज अ राइज इन द FDI एंड FPI। हमारा जो FDI और FPI है, उसमें कुछ हद तक राइज देखा गया है इन रिसेंट डेज। लाइक मार्क जुकरबर्ग, CEO ऑफ फेसबुक, हैज इन्वेस्टेड ऑन द रिलायंस। दिस टाइप ऑफ FDI एंड FPIs हैज राइजन ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो दीज आर द फैक्टर्स ड्यू टू विच इंडिया इज हैविंग अ सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सो व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सरप्लस foreign exchange reserves? First of all, it will help to manage the external as well as the internal financial issues. India ke jo external aur internal financial issues hai, usse manage karne mein ye kai had tak help karega. Also, it will give a big cushion to the event of crisis. Abhi jo economic crisis chal raha hai due to COVID-19 pandemic, usko tackle karne mein ye help kar sakta hai. It gave a big cushion. And if there is a surplus in the foreign exchange reserve, means there is a surplus in the foreign currency,
मतलब अगर सप्लाई ज्यादा होगा फॉरेन करेंसी का और डिमांड कम होगा देन रूपी विल एप्रिशिएट, रूपी ज्यादा स्ट्रेंथन होगा, रूपी विल एप्रिशिएट. ऑल्सो इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है उससे ये इंक्रीज होगा. एंड हाउ दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस विल हेल्प एज अ डोमिनो इफेक्ट, लेट अस अंडरस्टैंड. Now let us understand the domino effect of that rise in level of confidence. Suppose there is an investor who wants to invest in bond market. Koi bond market pe invest karna chahta hai. Aur usne dekha government of India ka current account jo hai wo surplus pe hai. Forex reserve surplus pe hai. Matlab kahin na kahin गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इकोनॉमी कुछ हद तक स्टेबल है, उसे यही लगेगा इन्वेस्टर को. सो दैट इन्वेस्टर विल इन्वेस्ट हेविली ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी बॉन्ड्स है उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे. एंड इफ दिस हैपेंस देन द बॉन्ड मार्केट ऑफ इंडिया विल बी स्ट्रेंथेंड. बॉन्ड मार्केट जो है इंडिया का वो ज्यादा स्ट्रांग होगा. इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा रेस करने में इजी होगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन इजीली रेज मनी थ्रू दिस बॉन्ड मार्केट. देर विल बी एन रिलायबिलिटी ऑन द बॉन्ड मार्केट. साथ ही साथ अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड मार्केट से पैसा रेस कर रहा है देन जो फिस्कल डेफिसिट के ऊपर स्ट्रेस है वो कम हो जाएगा. द स्ट्रेस on the fiscal deficit will be low. So these are the domino effect of the significance of the surplus forex reserve. I hope you like the lecture. Don't forget to subscribe the channel, like the video and share the video. Thank you. Jai Hind.